एक्टिंग की स्किल्स देखने अपने जरा शाहरुख करके दिखाना ठीक है ये शरे आम कर दिया तेना रिश्क का दावा लाहौर का पावा अख्तर लावा नो टाइम हो रहा है 6:15 मैं जा रही हूँ सीधा किचन में। मैं सोचा पहले किचन में जाऊंगी, पहले जो है खाना वगैरह बना लूंगी और किचन की सफाई कर लूं, देन उसके बाद ही मैं क्या कहते हैं उसको कुछ नहीं। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन दिया क्योंकि कल जो है बर्थडे पर थी, तो ये देख लें किचन की हालत कुछ यूं हो रही है। शाहरुख कमरे की सफाई कर लो। तो मुझे इसकी जो है ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है, ऐसे ही होनी चाहिए हस्बैंड राइट। तो आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जो मेरी मम्मी है वो मेरे साथ क्यों नहीं रह रही। यू गाइस तो मेरे साथ रहेंगी, लेकिन जब तक अब्बू नहीं आता तो अम्मी वहीं पर रहेंगी, क्योंकि मम्मी के पास वहाँ पे बच्चे होते हैं, फैमिली दिलबर बबर सब, तो यहाँ पर अकेले तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता। दिलबर के पास कार भी है, वो मम्मी को घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, बस एक ही बाइक से बहुत फंस फंस के बैठना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी को जिस तरीके से हो सके खुश रहे। मम्मी वहाँ पर है, जैसे ही अब्बू आ जाएंगे तो अम्मी मेरे पास आ जाएंगी। जाहिर सी बात है अकेले रहना किसको पसंद, किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई मतलब चाहिए ना जिसमें वो खुश रहे। और आप सब लोग ये बोल रहे थे, काफी मैसेज ये भी आए, आपने अपनी मम्मी को घर से निकाल दिया क्योंकि वो दिलबर के पास गई है। इसलिए गाइस आप लोग ऐसे कैसे सवाल मुझसे कर सकते हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ को कभी अपने घर से निकालूंगी, और वो भी अपने भाइयों की वजह से मैं उनको अपने घर से निकालूंगी, ये इम्पॉसिबल। यहाँ पर जो है शाहरुख ने रूम की सफाई कर, मैंने यहाँ पर जो है सब्जियां वगैरह सब काट ली है, कुछ बस नया चम्मच है, नई देगची है जिसमें खाना बनाऊंगी। रेस्ट किया, आप चलते हैं हमारे किचन की तरफ, बनाते हैं हमारा खाना। अभी गैस नहीं आ रहा तो मैं सब चीजें रख रही हूँ फ्रिज में, और चलते हैं जिम्स पे पता करने के लिए। मैं ज्वाइन करना है तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ेगा, और आज मैं जाकर सारी बात करके आती हूँ, तो वापस आऊंगी फिर ये सब चीजें बनाऊंगी। आ रही हूँ नहाने के लिए, जल्दी से नहा लेती हूँ, बाद में ये वाले कपड़े पहनूंगी। रात पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो वो समझो यार का सताया होया है।
से आप लोगों को कह रहे थे कि मेरे पास एक प्रमोशन के लिए ऑयल आया हुआ है और हैंड वाइटनिंग एंड फीट वाइटनिंग क्रीम भी आई हुई है, वो खैर मैंने इस्तेमाल की। फिलहाल मैं ये अनियन हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ। देखो मैं कहते हैं ना प्याज का पानी का, जैसे कहते हैं ना बाल जैसे गंजापन आ जाता है, जैसे ये है मेरा गंजापन, तो कहते हैं ना अक्सर इसके लिए ना प्याज का पानी बहुत बेस्ट होता है। और प्याज का पानी निकालने में कितना टाइम लग जाता है, और अगर उसका ऑयल, मैं सबसे प्याज का ऑयल भी बनाती थी घर में, प्याज का और उसका अदरक और लहसुन का, मैं दोनों का बनाती थी, तो वो मतलब बहुत अच्छा होता है बालों के। हेयर ऑयल का मैं फायदा बता दूँ कि ना जो आपके बाल टूट रहे होते हैं उनसे रोकता है, ऊपर से उनकी ग्रोथ अच्छी करता है, डैंड्रफ से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसके काफी बेनिफिट्स है। नहा लिया है, देखो तैयार हो चुकी हूँ, मेरे पास यही तैयारी होती है, आप लोग को पता है इतना सही बहन आपकी तैयार होती है। मैं आई हूँ अम्मी की तरफ अम्मी से मिलने के लिए। क्या ये बोलता है नैना? बोलो नैना, हम तो इसको बोलो नैना बोले बोलो बाबल, नहीं बोलो नैना, बोलो बोलो एक बार तो बोलो नैना, नैना बोलो हाय फाय है ना, बोलो हेलो 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 बोलो नो। ये मुझे बहुत मारता है इसका जितना हस्बैंड। बोलो नैना बोलो, बस बोलो तो सही नैना। शुक्र है इसने बोल दिया। नैन घर आ चुके हैं, मुझे घर में खाना बनाना है क्योंकि मैं ऐसे फालतू तो नहीं बैठ सकती। शुक्र है अभी जो है गैस आ रहा है। तो मानोगे नहीं, मैंने आलू अपने हाथों से काटे और ये ऑयल के अंदर डालेंगे। थोड़े से प्याज, अनियन करना। मिठू है केन का दुश्मन, जहाँ केन वहाँ मिठू, आई मीन केन से वो प्यार करता है, बिल्ली को प्यार है मिठू से, इनका खत्म ही नहीं होता। इसको हमने अच्छे से पका लेना है। स्टिल जो है ये हो रहा है क्योंकि हमारे गैस कम आ रहा है शायद इसलिए। और शाहरुख मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, शरे आम कर दिया तेना रिश्क का दावा, लाहौर का पावा क्यूट लिटल मिजाजी खुदा ऑलवेज हेल्प्स मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पिक्चर को चपेड़ कराने की? मेरी गल अपने दिमाग च रख ला के मैं नहीं पसंद तेरी ये हरकत। एक्टिंग की स्किल्स देखने अपने, जरा सर्व करके दिखाना ठीक है ये। कितना एक्टिंग करता है मेरी ये। ओ भाई बन जाओ यार, थक गई हूँ। और नैना अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और क्लोज करो, और अब हम इसके अंदर डालेंगे इतनी मिर्च का हम डालेंगे इसके अंदर नमक। चम्मच जो है मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी, इसके अंदर ले रही हूँ जीरा। सब मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हम डालेंगे आलू, 10 मिनट के लिए मैं इसको जो है अच्छे से फ्राई करूँ। गर्मी और थी मैंने पहले शरबत बनाई है। इसके अंदर गोभी, कम से कम 25 मिनट कह रही हूँ, 10 मिनट तक पकाएंगे। मेरा गाइस ये बहुत छोटू है, शायद मैं बड़ा ले लेती थी। तुम बोला था ना बड़ा ले लो। नहीं तुम मुझे लेने ही नहीं दे रहे थे, वरना मैं ले लेती। तुम चुप कर जाओ। तुमने मुझे टाइम ये वाला भी बड़ी मुश्किल से जला के दिया था। ये गोभी इतनी किसने बोला डालो? साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ टमाटर, मैंने इसके ऊपर अभी मिर्ची भी डाल दी है।
इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख के जा रही हूँ 20 मिनट के बाद इसको निकालूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में भी, मतलब खाना आप अच्छा बनाओ उसके साथ साथ उसके जो है ना उसका चेहरा भी अच्छा दिखना चाहिए, तो इसका चेहरा बहुत मजे का लग मजे के बनाया जी करते अपने हाथ खा लो। अब जो है मैं पहली बाइट अपने शोहर को खिलाऊंगी क्योंकि माय हस्बैंड इज एवरीथिंग फॉर मी गाइस। एक सेकंड, कैसा है? चपड़ चपड़ कर तो बहुत गुस्सा आता है। अच्छा है लेकिन थोड़ा स्पाइसी होता तो और अच्छा लगता। स्पाइसी मैंने खुद नहीं खाया, बहुत ज्यादा स्पाइसी मुझे नहीं पसंद, पर स्पाइसी है यहाँ से मैंने ज्यादा स्पाइसी खुद नहीं दिया था। मैं साथ साथ में आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा कल अभी नया और मजेदार से ब्लॉग के साथ। बहुत मिर्ची लग रही है। अल्लाह हाफिज़।